हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन गोला मलाई कबाब। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी। एक बार आप इस तरह से बना लेंगे ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको बना के। टेस्ट भी बहुत जबरदस्त होता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, छोटे छोटे क्यूब में ऐसे वॉश कर लिया था, और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। अब उसी जार में हम ले लेंगे 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 किलो मैं ले लूंगी लहसुन के, और 1 मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे, 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे, और 1 मुट्ठी हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, उससे थोड़ा कम भी कर लीजिएगा, और थोड़ा हम बचा लेंगे गार्निशिंग में डालने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और ये मैंने तंदूरी मसाला लिया है 1 टीस्पून, अगर आपके पास टिक्का मसाला तो टिक्का भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, और ये मैंने मीठा सोडा लिया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सॉफ्टनेस के लिए डालेंगे। और 1 टेबल स्पून बटर है, ये भी सॉफ्टनेस के लिए है, अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 ब्रेड मैंने ले लिया है बाइंडिंग के लिए, अगर ब्रेड नहीं हो तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन अंडा नहीं डालना है हमको इसमें। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे फाइन। ये देखिए, इसे मैंने बाउल में निकाल लिया। अब जो मैंने ग्राइंड करके कीमा रखा था चिकन का, उसको भी हम मिला लेंगे इसमें। आप चाहें तो इसको दोनों चीज दोनों एक साथ मिला सकते हैं फूड प्रोसेसर में, तो मैंने अलग अलग करके बताया है, जिससे कि सभी के घर में फूड प्रोसेसर नहीं होता है तो आप मिक्सर में आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। अब इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि हमारे चिकन पे अच्छे से कोटिंग हो जाए मसालों की। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, बहुत ज़्यादा हमें तीखा नहीं बनाना है ये, क्योंकि ये मलाई कबाब है। अब इसे हम गीला थोड़ा सा लग रहा है देखने में, तो इसे 1 से 2 घंटा हम फ्रीज में रख देंगे कवर करके। ये देखिए 2 घंटा हो गया था, अब मैं इसका कबाब बनाऊंगी। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और इस तरह से हल्के हाथों से हम बनाएंगे। आपके पास कोई पेन हो, पेंसिल हो, इस तरह का कोई भी हो तो आप इस तरह से अब उसमें डाल देंगे, और हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा लंबे शेप में बनाएंगे, तभी ये देखने में अच्छा लगेगा। इसे हमें गोल नहीं बनाया हमने, आप गोल को आपको पसंद है तो गोल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए होल मैंने थोड़ा सा कर दिया है इसमें। इसी तरह से हमें सारे कबाब को बना लेना है। तो ये देखिए सारे कबाब को मैंने बना लिया है, ये देखिए बीच में होल है। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करना है, बस जिस तरह से आप कबाब को करते हैं ना फ्राई, उसी तरह से हमें करना है। तो ये मैंने 1/2 कप डाला है इसमें ऑयल, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो डालिएगा। तो हम इसे 2 शिफ्टों में इसे फ्राई करेंगे, आधा अभी किया है और आधा हम बाद में करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिएगा, हाई फ्लेम पे ये जल जाएगा, क्योंकि हमें चिकन है ये, तो हमें कुक भी करना है। ग्राइंड किया हुआ चिकन है तो इसे बहुत ज़्यादा हमें कुक भी नहीं करना है, बस इसे हमें लगातार चला चला कर इसे चारों तरफ से घुमा घुमा कर हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमें इसकी ग्रेवी लगाना है, तो इसे अच्छा सा कलर होगा गोल्डन, तभी ये अच्छा देखने में भी लगेगा। तो ये देखिए गोल्डन कलर हो गया है, अभी जो थोड़ा बहुत बचा है तो उसको भी हम घुमा घुमा कर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी अभी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे कबाब हमने फ्राई कर लिया है। अब उसी ऑयल में हम ये डाल देंगे, 3 से 4 मैंने लहसुन ले लिया था, उसको चॉप कर लिया बारीक बारीक सी। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, अगर आपका ऑयल ज़्यादा हीट है तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें इसमें दही डालना है, तो हाई फ्लेम पर करेंगे तो दही फट जाएगा। तो दही को अच्छे से मैंने फेटा हुआ दही लिया है, बिल्कुल अच्छे से बीट कर लीजिएगा दही को, और इसे हम चलाएंगे। अच्छे से चलाकर हम इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्ची,
हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप पीसी हुई मिर्ची डाल दीजिए। चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, डालकर हम इस तरह से कुक करेंगे इसे। बस 1 मिनट हमें इसे चलाना है, बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। लगातार हम चलाएंगे इसको और गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर दिया है। ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, अमूल की फ्रेश क्रीम लिया है हमने 1/2 कप। आपके पास जो भी क्रीम हो वो ले लीजिए, आप बलाई भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में हो। ये मैंने ले लिया है अनियन रिंग्स, 1 मीडियम साइज की लिया था। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है इस कबाब को तो आप अनियन रिंग्स नहीं डालेंगे। अगर आप 1 से 2 घंटे तक के अंदर आपको सर्व करना है तो आप ये अनियन रिंग्स डाल दीजिएगा, इससे ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और जिस तरह से रेस्टोरेंट में आपको सर्व करते हैं ना प्याज डाल के, तो वैसे ही टेक्चर इसका आएगा। तो प्याज को डालकर मैंने बस थोड़ा सा चला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कबाब जो मैंने फ्राई करके रखा है। तो कबाब को हम इस तरह से मिलाएंगे और इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, ग्रेवी आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो छोड़ दीजिएगा इतनी ग्रेवी, और वैसे भी ये ठंडा होकर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो अब थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और 10 से 15 मिनट बाद इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए, वाह, ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी आ रही है। तो इस तरह से सर्विंग डिश में हम इसे सर्व करेंगे। देखिए इसकी जो टेक्सचर है बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है। तो थोड़ा सा हम इस तरह से रखेंगे, एक हम आपको काट के भी दिखा दे रहे, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नए तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।